देखिए, जो हमारे प्रमुख चैलेंजेस हैं, जैसे कि हम बार बार आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसमें क्राइम में जो है वो ड्रग्स पैड जो पैडलिंग की जो एक्टिविटीज़ है वो एक प्रमुख रूप से एक मेजर चैलेंज के रूप में इमर्ज हो रहा है। और इसमें बहुत ज़्यादा सतर्कता की और एफर्ट्स की आवश्यकता रहती है। पिछले अगर हम एक सप्ताह की बात करें तो शिमला ज़िले में हमने 20 से ज़्यादा ड्रग पैडलर्स को अरेस्ट किया है, और जो सीज़र्स हैं, जो कॉन्ट्राबैंड के सीज़र्स हैं, वो क्वांटिटीज जो हैं वो भी पकड़ी हैं, और इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। इसमें जो ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो सिस्टम है पुलिस का वो अलर्ट है, और जो इस प्रकार की ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ से अपनी प्रॉस्पेरिटी को अर्न करना चाहते हैं उनके लिए हम काफ़ी स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं कि ये तरीका नहीं हो सकता है कि जिससे आप जो है अपनी प्रॉस्पेरिटी को ढूंढें। पुलिस बड़ी कमिटमेंट के साथ और कन्विक्शन के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनकी व्हीकल्स को फ्रीज़ कर रहे हैं, सीज़ किया जा रहा है, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो इंटर स्टेट ड्रग सप्लाई करते हैं, स्थानीय स्तर के ऊपर जो है वो ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनको हमने प्रॉपरली चिन्हित किया है। और अगर आप एक साल का हमारा लेखा जोखा देखें पिछले 15 महीने में, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला पुलिस ने लगभग 1,000 व्यक्तियों के खिलाफ अलग अलग मामलों में कार्रवाई की है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट किया है, और 600 के करीब केसेस जो हैं वो हमने दर्ज किए हैं। ये प्रमाणित करता है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ड्रग्स के अंगेंस्ट जो है वो कमिटमेंट का लेवल क्या है, और हम इस चीज़ को लेकर के कितने सीरियस हैं, गंभीर हैं। और अगर एक और इम्पैक्ट की असेसमेंट हम करते हैं कि इन एफर्ट्स का इम्पैक्ट क्या है, तो मैं पूरे कमिटमेंट के साथ और कन्विक्शन के साथ आपके साथ ये शेयर कर सकता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जिस प्रकार से ड्रग्स की प्रॉलीफरेशन हो रही थी, जिस प्रकार से स्प्रेड हो रहा था, उस पर काफ़ी लार्जर एक्सटेंट तक हम कामयाब हुए हैं इसमें अंकुश लगाने के लिए। सर, अगर आज के आंकड़े की बात करें तो कितना ग्राम जो है वो ड्रग पेडलिंग के माध्यम से ये पकड़ा गया है, और प्रॉपर्टी की बात की जाए तो कितनी प्रॉपर्टी? देखिए, अभी एक सप्ताह में लगभग 6 साढ़े 6 किलो के करीब हमने ओपियम पकड़ी है, और 150 के ग्राम जो है हमने चिट्टा पकड़ा है, इसी मात्रा में जो है चरस भी पकड़ी जा रही है। तो ये तो मैं एक सप्ताह का आपको बता रहा हूँ, बड़ा पूरा साल का अभी तक का जो डिटेल्ड जो डेटा है उसको मैं आपके साथ कुछ समय में शेयर करूँगा। तो ये जो इम्पैक्ट है वो क्वांटिटी प्लस नंबर ऑफ पर्सन आपने कितने इस दायरे में, कानून के दायरे में लेकर के आए हैं, उससे इम्पैक्ट क्रिएट होता है। और वो हम जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड सब तरह के इन्वेस्टिगेशन में जो है अपने एफर्ट्स जो है वो लगा रहे हैं, और कई मामले ऐसे हैं जिसमें एक ही केस में 10 से 12 12 लोग भी अरेस्ट हो रहे हैं। तो उससे जो है इन्वेस्टिगेशन की सीरियसनेस जो है अपने आप में रिफ्लेक्ट होती है। और अभी एज ऑन डेट जो है वो अगर आप अपने लेवल पे भी असेसमेंट करते हैं, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कैपिटल एरिया में ख़ास तौर पे जो चिट्टा का जिस तरह से अवेलेबिलिटी थी, उसमें बड़े लार्जर एक्सटेंट तक जो है कमी आई है। ये पुलिस की एफर्ट को और कमिटमेंट को भी रिफ्लेक्ट करता है, और साथ साथ में जो उसके इम्पैक्ट है उसको भी दर्शाता है। पिछले कल जो चिट्टा पकड़ा गया है, कितने लोग यहाँ हैं, उसमें है, कहाँ के हैं, और कितना ग्राम का था, और कितने देखिए, पिछले कल 169 ग्राम चिट्टा हमने पकड़ा है। ये पंजाब के रहने वाले युवक हैं, इनकी उम्र का जो एज ग्रुप है वो 26 से 28 वर्ष का है, अमृतसर के रहने वाले हैं, और इनका जो इन्वेस्टिगेशन जो है अभी चल रही है कि यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो है वो किसके साथ इनके लिंक्स रहे हैं, और किस किस व्यक्ति को साथ है, पहले कितनी बार आए हैं, इनके ऊपर कितने केसेस हैं। तो वहाँ की जो पुलिस है अमृतसर क्षेत्र की जहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके साथ भी हम संपर्क में हैं। सर, पिछले 15 महीनों के अगर हम बात करें तो अधिकतर आरोपी कहाँ से उन्हें बिलोंग करते हैं, क्या हिमाचली पुलिस या दूसरे राज्यों से कितने आरोपी? देखिए, ये तो अभी 1-2 दिन पहले मैंने डेटा शेयर किया था कि 30% के करीब जो हमने अप्रिहेंशन की है, अरेस्ट किए हैं, वो आउट ऑफ स्टेट इंटर स्टेट ड्रग सप्लायर्स हैं। बाकी वो स्थानीय लेवल पे अपनी जो हमारे स्टेट्स हैं, डेफिनेटली इसमें जो वो लोग भी अरेस्ट हुए हैं, फीमेल्स भी इसमें अरेस्ट हुई हैं। तो ये एक ब्रॉडर लेवल पे काम करने की इसमें आवश्यकता रहती है, और उसी दिशा में हम भी काम कर रहे हैं। सर, कारण क्या रहता है इसमें, इस तरह से हिमाचल के जो सबसे ज़्यादा जो बैक जिसमें है, इस तरह की चीज़ों के लिए वो आगे है? ये तो एक सोशल असेसमेंट की जो है एरिया है कि ड्रग्स को इफेक्ट होने के क्या कारण है, इसके अनेक कारण हैं। अनेक युवा और हर वर्ग के लोग जो है ड्रग्स में
इम्पैक्ट में और उसके अफेक्टेड हो रहे हैं। प्रमुख रूप से जो है अगर हम देखें तो नौजवान पीढ़ी में कई बार जो है वो शौक के तौर पे शुरू करते हैं, कई बार देखा देखी में शुरू करते हैं, कई बार पीयर्स प्रेशर में शुरू करते हैं। और हीरोइन और चिट्टा का नशा तो ऐसा है कि एक बार अगर आप शुरू करते हैं और एक दो बार यूज़ करने के बाद जो है आप इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर लाइफ जो है बहुत मिजरेबल हो जाती है। अभी मैं आपसे बात शेयर करता हूँ, ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो युवा या कोई भी किसी भी एज ग्रुप का कोई व्यक्ति जो है अगर हीरोइन जैसे नशे में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके बाद जो है उसकी डिपेंडेंसी जो है वो इतनी बढ़ जाती है, वो क्राइम में इन्वॉल्व होने लगते हैं, चोरियों में इन्वॉल्व होने लगते हैं। और बहुत सारे जो चोरी के केसेस हैं जब उनकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसके पीछे भी ये कारण पाते हैं कि ये जो युवा है या ये व्यक्ति है नशे में इन्वॉल्व है, अपना खर्चा पूरा करने के लिए जो है ये चोरी कर रहा है। तो ये एक बड़ा लार्जर सोशल इशू है, कोई छोटे लेवल का इशू नहीं है, इसमें बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन लेने की ज़रूरत है और इस पर एक्शन हो भी रहा है, आप देख भी रहे हैं और सिस्टमेटिक तरीके से एक्शन हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सब लोग मिलजुल के इसमें जब सामूहिक प्रयास करेंगे फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे और सिस्टम के लेवल पे, पुलिस अपना काम कर रही है और मीडिया जर्नलिस्ट आप लोग भी अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेंगे। डेफिनेटली ये अपने एंटरप्रेन्योरशिप में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं, लेकिन पुलिस अलर्ट है, सजग है, वो जितने मर्जी नए तरीके ढूंढ ले डेफिनेटली हमारी कमिटमेंट और जो हमारा काम करने का जो इसमें तरीका रहता है, वी आर प्रोफेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन नॉट टेक लीड ऑन अस, हम इनसे आगे ही रहते हैं हमेशा और जो भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वी विल डेफिनेटली टीच देम अ गुड लेसन। थैंक यू। नहीं ऐसा नहीं है, चोरी के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं, अगर आप कंपैरिजन करें तो आई डेफिनेटली डिनाई इट कि चोरी के मामले अगर हम डेटा को कंपेयर करते हैं, लेकिन ये है कि चोरी के मामलों में हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। पिछले 5-6 दिनों में जितनी चोरियां, जिस प्रकार की भी चोरियां, छोटी या स्मॉल लेवल पे चोरियां हुई हैं उन सभी को हमने ट्रेस किया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे जो न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में एक दंपत्ति ने अपने जो ज्वेलरी अपनी गाड़ी में छोड़ दी और उसके बाद जो है वो किसी ने देखा होगा, तो हमने वो 24 घंटे में वो चोरी ट्रेस कर दी, उसमें 4-5 लाख की ज्वेलरी थी उनकी। इसी प्रकार से बालूगंज और टूटू एरिया में भी एक घटना घटी थी चोरी की, उसको भी हमने ट्रेस कर दिया। अभी यहीं शिमला क्षेत्र के आसपास ही जो है कुछ चोरी हुई थी, कुछ वस्तुएँ चोरी हुई थी, वो भी हमने ट्रेस कर दी। तो चोरी को लेकर के जो हमारे स्पेशल सेल यूनिट है वो सजग रहते हैं और आज हमारे पास अच्छी टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स का भी हम अच्छा यूज़ कर रहे हैं। चोरी के केसेस में जो है पुलिस का जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है और इम्प्रेसिव है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि चोरी नहीं हो रही है, लेकिन चोरी के मामलों में बहुत कमी आई है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखो नशे में तो जब हम नशे का एनालिसिस करते हैं तो सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है और सिंथेटिक ड्रग्स के ऊपर जो जिस प्रकार से उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत विघटनकारी रहता है, किसी के हेल्थ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, तो सभी प्रकार के मामले आते रहते हैं। और बेसिक चीज़ ये है कि हमको जो है एज ए पुलिस ऑर्गेनाइजेशन वी आर अमंग द स्टेक होल्डर्स, नशे के विरुद्ध काम करने वाले और भी बहुत सारे हमारे पैरेलल डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम वन अमंग देम है। तो जो हमको करना चाहिए उसको हम अपने काम को, अपने जो एफर्ट्स हैं उनको पूरी कमिटमेंट और सजगता के साथ कर रहे हैं और हर चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं।